नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LIC भर्ती के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, LIC में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हैं और जिसमें सबसे प्रमुख है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी की वैकेंसी। दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है टोटल 50 हैं। और यदि हम बात करें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट, इसके लिए हैं 168। पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन जानेंगे और कौन कौन लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं AE यानी कि सहायक इंजीनियर, तो असिस्टेंट इंजीनियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिविल की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग है। और यहाँ पर अगर हम बात करें AO की, तो इसमें भी जैसे कि स्पेशलिस्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर लीगल, राजभाषा, IT और एक्चुरियल, इसके लिए अलग से वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जितनी भी असिस्टेंट इंजीनियर वाली वैकेंसी है उसमें BTech मांगा गया है, आपकी संबंधित जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड। और बात करते हैं अब हम AO की, तो AO में दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके लिए जो है आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा हो। उसके अलावा AO एक्चुरियल, इसके लिए दोस्तों अलग ही डिग्री है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम AO की, जो कि लीगल वाला है। इसमें दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री हो यानी कि LLB हो और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, बार एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं AO राजभाषा। राजभाषा के लिए मुझे लगता है कि हमारे चैनल पर ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या तो हिंदी में किया होगा या फिर इंग्लिश में किया होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या मांगा गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन हिंदी / हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, मास्टर डिग्री अगर आपके पास इंग्लिश है विद हिंदी एज ऑफ द सब्जेक्ट, और BA में आपके पास हिंदी रही है, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फिर है दोस्तों AO IT, ये वाला जो है इसमें जितने भी टेक्निकल फील्ड के लोग हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री यानी कि BTech की बात की जा रही है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें किया है। यदि आपके पास MCA की डिग्री है तब भी आप डाल सकते हैं, और MSc कंप्यूटर साइंस वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो लगभग दोस्तों इसमें 57,000 जो है तनख्वाह इसमें बनती है। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के अलाउंस होते हैं, जो आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं पॉज करके, तो वो भी अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। दोस्तों, LIC में वैसे तो नौकरी ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा टारगेट वाली नौकरी होती है, मगर क्योंकि ये स्पेशलिस्ट जॉब है तो इसमें आपकी पब्लिक डीलिंग वगैरह इतनी सब नहीं रहने वाली है। अभी वैकेंसी आई थी दोस्तों, अभी पिछली बार आपने देखा होगा AO की, तो कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने AO की नौकरी छोड़ दी थी सिर्फ और सिर्फ वर्क प्रेशर और टारगेट की वजह से, मगर यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो यही है, मगर हाँ इसके अंदर दोस्तों एक बॉन्ड है जो कि 5 लाख रुपए का होगा, जो कि आपको साइन करना होगा कि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए जो है वो आपको जमा कराने होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करी जाए दोस्तों, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं कि रीजनिंग है, इंग्लिश है और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है। इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो ये मान लीजिए कि लगभग बैंक के स्तर का ही होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। मेंस के बारे में बात करें तो बाकी पोर्शन तो सेम रहेंगे, मगर तीसरा और चौथा आप देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी स्ट्रीम है आपकी, और उसके अलावा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। और इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा, ऐसे राइटिंग भी होगी, क्योंकि दोस्तों आधिकारिक प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी है। तो बताइएगा हमारे चैनल पर ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो कि इस फॉर्म को डालने वाले हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।